प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक विशेष संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और ये संदेश है पतरस के बारे में, जो चादर पतरस के सामने उतरी थी उसके विषय में, क्योंकि इस विषय पर बहुत सारे लोग जो है वो विरोधाभास में है, वो समझ नहीं पा रहे इस बात को और इसको खाने पीने की बातें करके वो पेश करते हैं। लेकिन खाने पीने की बात आज हम नहीं करेंगे, आज हम इस चादर की बात करेंगे जो पतरस के लिए स्वर्ग से उतरी थी, आकाश से उतरी थी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है तो इसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माय लाइफ, वहां पर भी मैसेजेस हैं, न्यूज़ है, तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए ताकि प्रभु के कार्य में हम ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ते चले जाएँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के इस वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जो भी वचन तूने मुझे दिया इसे शेयर करने में, प्रचार करने में मेरी मदद सहायता कर प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु जी, मैं खास तौर से विनती करता हूँ जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको समझ बुद्धि दे प्रभु ताकि इस वचन को अच्छी तरह से समझ सकें और प्रभु जी अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। सबको आशीषित कर, सबकी रोग बीमारी चिंता परेशानी को दूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस विशेष वचन को हम शुरू करेंगे। ये वचन है जब कुरनेलियुस के बारे में पहले जिक्र किया गया है, एक पद से और आठ पद तक। ये है प्रेरितों के काम 10 अध्याय में। कुरनेलियुस जो है वो एक अन्य जाति का व्यक्ति है और ये इतालियानी पलटन का सूबेदार भी है, लेकिन इसके अंदर चार विशेषताएं हैं। इसके अंदर क्या विशेषताएं हैं चार? वह भक्त था, पहली बात, वह भक्त था, भक्ति में लगा रहता था परमेश्वर की और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, दूसरी बात। तीसरी बात ये थी इसके अंदर कि ये बराबर क्या करता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, बहुत दान, कोई लिमिट नहीं थी इसकी, बहुत दान दिया करता था। चौथी बात, निरंतर प्रार्थना करता था। ये चार विशेषताएं एक अन्य जाति के व्यक्ति में परमेश्वर ने देखी और ये ऐसी ही चार विशेषताएं अय्यूब में थी, जिसके विषय में परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में शैतान से कहा था, क्या तूने अय्यूब के तुल्य पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला है। ये चार विशेषताएं अय्यूब में भी थी और ये चार विशेषताएं अलग है ये जो कुरनेलियुस में है। ये परमेश्वर को पसंद आ गई। फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक दिन तीसरे पहर के करीब एक स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा और देखिए वहाँ पर क्या वार्तालाप होती है कुरनेलियुस की और स्वर्गदूत की। यहाँ पर लिखा है कि उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। दान किनको दे रहा है? यहूदियों को। पर निरंतर प्रार्थना करें तो दोनों चीज़ें कहाँ चली गई? परमेश्वर के पास स्मरण के लिए पहुंच गई। तब परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजकर उसे आगाह किया। आगे लिखा है पांच आयत में, एक एड्रेस दे रहा है यहाँ पर स्वर्गदूत पतरस का। क्या कहता है कि और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े के अंधंधा करने वाले के यहाँ पहुँच, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। एक एड्रेस दिया यहाँ पर, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, मिस्टर पीटर केयर ऑफ शमौन, चमड़े का धंधा करने वाला नियर समुद्र के किनारे, याफा, आखिर में याफा। तो ये एक पूरा एड्रेस दिया स्वर्गदूत ने और वहाँ पर जब
अब यहाँ पर क्या होता है, सीन बदलता है। अब हम देखते हैं पतरस वहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर पतरस को, पतरस के लिए भेजा गया है लोगों को। अब देखेंगे इस चादर के विषय में, इस चादर वहाँ पर उतरती है। 9 आयत से मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 9 पद से। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और वह कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। यहाँ पर वो बेहोश होकर गिर गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। ये बहुत बड़े भेद की बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पतरस कहता है कि मैंने आज तक कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। यहाँ पर खाने पीने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर परमेश्वर ने कुरनेलियुस के लिए पतरस को तैयार किया है, क्योंकि कुरनेलियुस जो है एक अन्य जाति का व्यक्ति है और पतरस जो है वो यहूदियों में काम करने वाला व्यक्ति था। ये यहूदियों में काम करता था, इसराइलियों में काम करता था, वहाँ पर ये प्रचार करता था। अभी तक इसने कभी भी अन्य जातियों में प्रचार नहीं किया था, ना किसी को उसने बपतिस्मा दिया था। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाकर पतरस को तैयार किया ताकि वो कुरनेलियुस के पास जाए और उसको बपतिस्मा दे। तो यहाँ पर पतरस जब कहता है कि मैंने आज तक कोई अपवित्र वस्तु नहीं खाई, अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, तब परमेश्वर ने कहा कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। यहाँ कुरनेलियुस की बात हो रही है और कुरनेलियुस जो है वो अन्य जाति का व्यक्ति है। और उसके बाद क्या होता है, हम जानते हैं कि वो लोग आते हैं और पतरस को लेकर जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। ये है वो वचन जो स्पष्ट करता है कि पतरस ने साफ मना कर दिया कि मैं अन्य जातियों में प्रचार नहीं करूंगा, मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, ये अशुद्ध वस्तु है। ठीक है, अशुद्ध वस्तु समझते थे इसको। और आगे लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। ये है वो वचन, किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। वहां पर चादर जब उतरी थी तब पतरस ने कहा था कि मैंने कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। तब परमेश्वर ने कहा था कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया तो उसे अशुद्ध मत कहे। यहाँ पर पतरस उस बात को उन लोगों से कह रहा है। 28 आयत, इसे याद रखिएगा, प्रेरितों के काम 10 अध्याय की 28 आयत, यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। यह अधर्म माना जाता था उस समय। और लिखा, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। अब यहाँ पर क्या हो गया, पूरी बात हमने समझ गए कि जो चादर उतरी थी वो एक दृष्टांत के रूप में थी, कि परमेश्वर उसे बताना चाहता था कि मैं जिसके पास तुझे भेज रहा हूँ वो अन्य जाति का तो है, लेकिन वो मेरा भक्त है, वो पूरे घराने समेत परमेश्वर से मुझसे डरता है, वो यहूदियों को बहुत दान देता है और निरंतर प्रार्थना करता है। ये बातें परमेश्वर को भा गईं। तब पतरस को तैयार किया गया अच्छी तरह से उसे तैयार किया गया ताकि वो अन्य जाति में पहली बार अपनी सेवकाई करे। और हम देखते हैं 34 आयत में, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। पतरस ने यहाँ पर इस बात का बयान करा है कि अब मैं जान गया हूँ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में। और लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, तब पतरस ने मुँह खोल कर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो परमेश्वर को भाता है। कोई सी भी जाति हो, कोई सा भी धर्म हो, कोई से भी तबके के लोग हों, कोई से भी कस्बे के हों, कोई से भी देश के हों, कैसे भी हों, हम स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों, कोई भी हों, अगर हम भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, धर्म के काम करेंगे, हम परमेश्वर को भा जाएंगे। कुरनेलियुस अन्य जाति का था, परमेश्वर को भा गया। परमेश्वर ने पतरस को तैयार किया, तन मन से अच्छी तरह से उसे तैयार किया कि उठ, मार और खा, यानी कि उसका जाकर बपतिस्मा दे, उठ जा और अब जाकर क्या कर, वो काम कर जो मैं तुझे सौंपता हूँ। एक अन्य जाति के व्यक्ति को पतरस ने बपतिस्मा दिया
और यहाँ से पतरस का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने अन्य जातियों में भी सेवा को शुरू किया। वो समझ गया कि परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े भेद की बात है कि लोग इस बात को, चद्दर को जब उतरता देखते हैं तो सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। उसमें तो सांप भी थे, कीड़े भी थे, तो उसको खाना शुरू करें फिर, अगर खाने पीने की बात है यहाँ तो। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर खाने की बात है ही नहीं, यहाँ पर है एक अन्य जाति के व्यक्ति की बात। पतरस ने कभी अन्य जाति के बीच में काम नहीं किया, उसने नहीं किया काम। एक पहली बार परमेश्वर ने उसको तैयार किया एक दृष्टांत के रूप में, क्योंकि वो बेसुध हो गया था, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। दो दर्शन हुए हैं, दोनों दर्शन को मिलाकर एक व्यक्ति का और उसके पूरे घराने का उद्धार हुआ है। पहला दर्शन दिया कुरनेलियुस को जब स्वर्गदूत उसके यहाँ आया, दूसरा दर्शन दिया पतरस को जब वो छत पर था, टहल रहा था, वो गिर गया, वो दर्शन हुआ। जब दोनों दर्शन मिल गए तब कुरनेलियुस और उसके पूरे परिवार का उद्धार का समय आया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि चादर जो उतरी थी उसका अर्थ क्या है। सही अर्थ यही है कि वो कुरनेलियुस के बारे में था, क्योंकि कुरनेलियुस जो था वो अन्य जाति का व्यक्ति था। परमेश्वर उसे बचाना चाहता था, परमेश्वर उसका उद्धार करना चाहता था, परमेश्वर उसका बपतिस्मा कराना चाहता था, इसलिए अपने एक सेवक को पतरस को तैयार किया और पतरस ने वहां जाकर ऐसा ही किया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। बात आपकी समझ में आ गई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि यदि आज आप इस बात को समझ गए हैं कि चादर का अर्थ क्या है, तो ज़रूर मुझे बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मेरे दूसरे चैनल को जिसका नाम है जीजस माई लाइफ, उसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। फ्राइडे को लाइव आएंगे मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना के साथ, तो आप अपने निवेदन हमें ज़रूर भेज सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हम सबके साथ होगा और एक बड़े आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।